हाँ जी सर, एक नया INFO आया है, इसमें इन्वेस्ट कर लो, सिर्फ 10 रुपए का यूनिट मिल रहा है। देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपने इन्वेस्टर को एडवाइस कर रहा है कि आप इस NFO यानी न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 रुपए का यूनिट मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपके साथ एक ये मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम का प्राइस पर यूनिट यानी NAV भले ही 10 रुपए हो या 1000 रुपए हो, उससे उस स्कीम में क्या रिटर्न आएंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्लीज ये सोचना बंद कर दीजिए कि जो स्कीम का NAV कम है, प्राइस पर यूनिट कम है, वो ज्यादा ग्रो करेगी, और जिसका NAV ज्यादा हो चुका उस स्कीम में रिटर्न कम आएगी। ऐसा अगर सोच रहे हैं आप तो ये बिल्कुल मिथ है। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर ऐसा है तो म्यूचुअल फंड हाउसेस इतने सारे NFOs लाते क्यों हैं? दोस्तों इसका सिंपल सा जवाब है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ नया पसंद होता है, वो चाहते हैं न्यू स्कीम्स में हम इन्वेस्ट करें। अब ये बात तो म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी पता है कि लोगों को न्यू स्कीम्स अट्रैक्ट करती हैं, तो वो नए नए NFOs लाते रहते हैं जिससे उनके पास भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आती रहे। नए फंड्स लाने के रीजंस और भी हैं। कई बार म्यूचुअल फंड हाउसेस को लगता है कि कोई स्पेशल थीम है जिस पे न्यू फंड लेके आना चाहिए और जिससे इन्वेस्टर्स को 10-20 सालों में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी जा सकती है, तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड हाउसेस नई स्कीम्स लेके आते हैं, और ऐसा सही भी है। थर्ड रीजन जिस वजह से न्यू स्कीम्स मार्केट में लाई जाती हैं उस पे बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हर स्कीम में एक एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी कुछ फीस म्यूचुअल फंड चार्ज करता है इन्वेस्टर्स से, जिससे वो फंड को मैनेज किया जाता है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दी जाती है। अब आपको पता होगा कि SEBI का रूल ये भी है कि जितना फंड साइज बड़ा है, यानी AUM जिस फंड का जितना बड़ा है उसमें मैनेजमेंट फीस उतनी कम चार्ज की जाएगी, एक्सपेंस रेशियो उतना कम होगा परसेंटेज टर्म्स में, और जितना फंड साइज छोटा होगा यानी AUM कम होगा फंड का, उतना आप एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रख सकते हो। तो देखिए जब नया फंड आएगा तो उसमें एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड हाउसेस की भी और डिस्ट्रीब्यूटर की भी कमाई ज्यादा होती है। अब आप ये मत सोचना कि मैं म्यूचुअल फंड हाउसेस या डिस्ट्रीब्यूटर्स के अगेंस्ट हूं, मैं खुद एक SEBI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर। बट द पॉइंट इज, हम उन फंड्स में क्यों ना इन्वेस्ट करें जो काफी टाइम से मार्केट में ऑलरेडी है और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी हमें पता है कि कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप के रिटर्न्स दे रहे हैं, कैसा उनका पोर्टफोलियो है। अगर हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा और हमारे पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी होगा कि कैसी इनकी परफॉर्मेंस है, तो हम फ्यूचर में भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस टाइप के रिटर्न्स उसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप NFOs में तभी इन्वेस्ट करें जब वो कोई स्पेशल थीम पे हो, जिसका आपको पता हो कि जो ऑलरेडी फंड्स चल रही है उससे वो अलग है और आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ वो अलाइन भी करता हो। सिर्फ ये सोचकर आप इन्वेस्ट ना करें कि आपको 10 रुपए का यूनिट मिल रहा है तो आपको फायदा होगा ही होगा, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।